मंडियों में सरसों व गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है, लेकिन मार्केट कमेटी द्वारा मंडियों में व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं की गई। ऐसा ही एक मामला कोसली स्थित अनाज मंडी में देखने को मिला, जहां पर जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। किसानों की मेहनत की कमाई यानी कि उनकी गेहूं पर आवारा पशु गोबर कर उसे खराब कर रहे हैं। यही नहीं, मंडी में मूलभूत सुविधाओं की भी कोई व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। बढ़ती गर्मी को देखते हुए मार्केट कमेटी द्वारा किसानों के लिए पीने के शुद्ध व ठंडे पानी की भी व्यवस्था की बात की जाती है, लेकिन इसके बावजूद किसान टंकी का सादा और गर्म पानी पीने को मजबूर है। मंडी में अपनी फसल बेचने आए किसानों ने प्रशासन से मांग करते हुए कहा है कि मंडी की गंदगी को दुरुस्त करके पीने के पानी की उचित व्यवस्था करवाई जाए। देश में जगह जगह कोरोना संक्रमण एक बार फिर से पैर पसार रहा है, जिसको ध्यान में रखते हुए मार्केट कमेटी द्वारा मंडी में साफ सफाई के साथ ही बचाव के सभी नियमों की पालना करनी चाहिए, जो यहां कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। वही मार्केट कमेटी कोसली के सहायक सचिव जितेंद्र कुमार ने बताया कि मंडी में पीने के पानी के लिए 3 वाटर कूलर लगाए गए हैं और सभी शौचालयों की सफाई करवा दी गई है। कोविड नियमों के तहत सभी जगह सैनिटाइज करवाया जा रहा है और किसानों के लिए मास्क व सैनिटाइजर की व्यवस्था भी की गई है। यादव, सहायक सचिव कोसली मंडी। तो मंडी के अंदर 3 वाटर कूलर लगवाए और सफाई करवा दी गई है। सभी शौचालय जो मंडी के अंदर हैं उनकी सफाई करवा दी गई है, उनमें सैनिटेशन का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। गेट पे हमने सैनिटाइजर और जो किसान को मास्क के लिए और कोविड की सभी जो अनुपालनाएं को पूरा करने के लिए सभी किसान से आवेदन करते हैं और पोस्टर लगाए गए हैं। नहीं, ऐसा कोई समस्या नहीं है जी। फट पे सभी सारे जो किसान जो डेयरी बनी हुई है वो साफ सुथरी है और भराई करते वक्त इनके जो ऊपर से जो ड्रेसिंग की जाती है इनकी, उसके बाद भराई की जाती है। 1 अप्रैल से सरकारी खरीद शुरू हुई है गेहूं की सीजन की। सरसों की आवा कभी मंडी में आई नहीं है, क्यों मार्केट रेट में ओपन मार्केट में ज़्यादा रेट है, तो किसान भर सरकारी रेट पर नहीं बेच रहे। गेहूँ की जो आवक 1 तारीख को हैफर ने सरकारी खरीद की 4893 क्विंटल हमारा गेहूं आया। 2 तारीख को वेयरहाउस ने की खरीद, जिसमें 4436 क्विंटल गेहूं, ये हमारा गेहूं मंडी में आया। और अभी टोटल 9326 क्विंटल गेहूं टोटल आ चुका है हमारी मंडी के अंदर 2 दिनों में। तो हमारे पास पूरे रेवा डिस्ट्रिक्ट में 18,000 के आसपास गेहूं, जिसमें से 8,500 से 9,000 हमारे कोसली मंडी के किसान आते हैं। ब्रेकिंग न्यूज, रासबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।